नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज हमारा रीजनिंग का एक नया टॉपिक होगा, स्पेशली बैंकिंग के रिलेटेड जो भी बच्चे हैं हमारे वो इस पे ज्यादा फोकस करें। सभी वनडे कंपटीशन में पूछा जाता है, बट बैंकिंग में इसके बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। समझिए चैप्टर क्या है और किस तरीके से हम इस चैप्टर को फॉलो करेंगे। आप सभी को पता है कि इसके पहले का हमारा चैप्टर अल्फाबेट सीरीज का था, वहां पे केवल अल्फाबेट के बारे में हमने समझा था। यहाँ पे अल्फाबेट के ही साथ में आपका नंबर आ जाता है और उसके साथ में आपके सिंबल्स आ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ संख्या क्या होती है आप सभी को पता है। संख्या यानी 0 से लेकर वे सारे अनंत नंबर जिसको हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। यानी हम सिंपल भाषा में बात करें तो 0 से लेकर 9 तक के ही अंकों से मिलाकर दुनिया के सभी अंक बने हुए हैं। तो अभी संकों में अगर हम बात करें तो आप सभी को पता होगा सम अंक क्या होते हैं, सम क्या होता है और विषम क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे अभी आप प्रश्नों में देखेंगे सम क्या है, विषम क्या है, अभी प्रश्नों में प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन ऐसे देता है, ऐसे कितने 5 है जिनके पहले कोई सम नंबर आया हो लेकिन बाद में विषम नंबर ना आया हो, या प्रश्न में दे देगा कितने ऐसे 8 हैं जिनके पहले 7 आया हो किंतु बाद में 2 ना आया हो, या सम विषम करके वट एवर जैसा भी बताएगा हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। तो संख्या क्या होगा आप समझ पा रहे होंगे, स्पेशली संख्या में हमें क्या याद रखना है, सम संख्या क्या होती है और विषम संख्या क्या होती है। इसके बाद यहाँ पे 2 पॉइंट और आते हैं आपके, जिसके बारे में आप सबको मैं बता चुका हूँ कि नंबरों के कॉम्बिनेशन को हम 2 तरीके से जानते हैं। एक होता आपका आरोही नंबर असेंडिंग ऑर्डर, और दूसरा होता आपका अवरोही नंबर यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। याद करने का तरीका, 1 2 3 आप लिखिए तो ये बढ़ता हुआ नंबर है, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा यानी आरोही क्रम हो जाएगा। अब इसी को देखें हम 4 3 2 1 लिख देते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, डिसेंडिंग ऑर्डर अवरोही क्रम। देखिए जब हिंदी वहां पे देखते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, इंग्लिश में तो असेंडिंग डिसेंडिंग साफ साफ समझ में आ जाता है। तो मैं बार बार कहूंगा जब आप एग्जामिनेशन दे रहे होते हैं अगर कहीं किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन आ जाती तो प्लीज आप वहां से लैंग्वेज बदल कर उसको इंग्लिश में जरूर देख लिया करें। तो उम्मीद करता हूँ कि संख्या के बारे में आपने समझा, जहां पे हम इसका प्रयोग करने वाले हैं, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है, आरोही क्या होती है और अवरोही क्या होती है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अक्षर पे। तो मैंने आप सभी को बेटा बताया था कि अक्षर या अल्फाबेट के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो वहां पे 2 चीजें आ जाती है। पहली वाली आपकी आ जाती है कौन सी, स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को याद हो गया होगा, हमारे पास AEIOU ये हमारे पास स्वर होते हैं, बाकी जो हमारे पास 21 लेटर होते हैं वो व्यंजन के रूप में होते हैं। तो वहां पे ऐसे प्रश्न देगा यहाँ पे कि कितने ऐसे अंक हैं जिनके पहले कोई आपका वॉवेल्स यानी स्वर आया हुआ है और बाद में व्यंजन यानी कंसोनेंट नहीं आया होगा, या फिर देगा कि उसके पहले ये वर्ड होना चाहिए बाद में ये होना चाहिए, क्वेश्चन के कैटराइजेशन को देखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उसकी भूमिका पता हो गई तो क्वेश्चन चाहे जितना भी टफ बनाएगा आप सॉल्व जरूर कर लेते हैं। अब हम लोग सिंबल में आ जाते हैं, तो आप सभी को पता है कि प्रतीक क्या होता है, यानी अक्षरों और अंकों से हटकर जिन चीजों का हम प्रयोग करते हैं संकेत, जिसे सिंपल भाषा में हम कहें वो सारे हमारे क्या होते हैं, सिंबल्स यानी प्रतीक कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए डॉलर हो गया, हैज हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, इक्वल हो गया, वट एवर बहुत सारी चीजें हैं। और अक्सर हम जब पासवर्ड बनाते हैं तो इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उसको माना जाता है हैवी पासवर्ड। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबको इस चैप्टर का परिचय बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम प्रश्नों को लेते हैं। तो देखिये यहाँ पे आपको 4 रूल फिर से मैं रिमाइंड करूंगा, हो सकता है आप सब भूल गए हो। अगर कोई भी श्रृंखला इन तीनों से मिलकर बनी होती है तो वहां पे आपका लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट आता है। तो वहां पे जब मैंने अक्षर के बारे में चर्चा किया था तो वहां पे 26 लेटरों में ही बताया था कि कैसे हम अक्षरों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं और किस तरीके से हम अपोजिट लेटर निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, मान लीजिए कोई एक श्रृंखला इस तरीके से है जिसमें आपका तीनों का प्रयोग किया गया है। किसका किसका, संख्या का भी प्रयोग है, अक्षर का भी प्रयोग है और प्रतीक का भी प्रयोग है। अब यहाँ पे ये क्या होगा, बायां होगा, और ये यहाँ पे क्या होगा भैया, दायां होगा। मैंने आपको 4 रूल बताए थे, जब आपकी पहली कंडीशन होती है अगर किसी को बाएं प्लस बाएं के बारे में कहता है तो उम्मीद करता हूं आपको याद होगा माइनस हो जाता है। यहाँ पे प्रश्न देगा दी गई श्रृंखला में बाएं से 7वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर या कौन सा अक्षर प्रतीक या संख्या, ऐसा कुछ बनाएगा प्रश्न आप देखेंगे। तो
तो वहां पे हम लोग क्या करते थे, अक्षर का नंबर देखते थे और वो हमारा आंसर हो जाता था। बट यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ हमें गिनना ही पड़ेगा कि कौन सा आएगा, वो श्रृंखला बनी होगी। इसी से दूसरा पॉइंट मैंने कहा था, जब बाएं प्लस दाएं के बारे में बात करता है तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और तीसरा पॉइंट मैंने कहा था, सेम अगर दाएं दाएं कहता है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और फिर से चौथी कंडीशन क्या है, दाएं प्लस बाएं कहता है तो क्या हो जाएगा, आपका जुड़ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये चारों रूल मैंने आपको पहले बताए थे याद होगा। यहाँ पे अब आपको दाएं से निकालने के लिए किसी भी नंबर से घटाना नहीं होगा, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा वो कौन सा लेटर कहाँ पर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारे रूल्स फिर से एक बार आपको रिमाइंड हो गए होंगे। अब मैं प्रश्न लेकर बताता हूँ। पहला हम संख्या पे लेकर बताएंगे, फिर इसके बाद अक्षर पर लेकर बताएंगे, फिर हमारा जो प्रश्न होगा वो तीनों कंबाइंड होगा। तो इस तरीके से उम्मीद करूंगा कि एक एक प्रश्न आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए पहला प्रश्न मैं लिखता हूं और इसमें देखिए क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा। वो कोई भी श्रृंखला हो सकती है जो नंबरों से रिलेटेड हो सकती है। मान लीजिए वो प्रश्न मेरे पास इस तरीके का है, जिसको मैं देखता हूं, प्रश्न को नोट कर देता हूं आपको। दिया गया है आपका 4, 5, 8, 3, 2, 7 3, 2, 7, 3, 5, 1, 7, 8, 9, 3, 5, 8, 3, 1, 3 और 5, 2। देखिए यहाँ पे एक नंबर आपको दिखाई दे रहा है जिसमें अलग अलग संख्याओं से बना हुआ है। यहाँ पे देखें 4, 5, 8, 3, 2 इस तरीके की श्रृंखला हो गई। तब इसमें देखिए ये वाला पक्ष आपका बायां होता है, ये आपका दायां होता है। तो हमें पता है कि जब भी आपका कोई भी कॉम्बिनेशन केवल मात्र एक संख्या से बना होगा तो आप सबको ध्यान देना होगा कि यहाँ पे बाएं दाएं का रूल का प्रयोग नहीं करेंगे। केवल क्या होगा, कुछ ना कुछ नंबरों से पूछा होगा। जैसे प्रश्न में कह देगा कितने ऐसे 3 हैं जिनके पहले 8 है किंतु बाद में 2 नहीं, या फिर उठा लेगा कितने ऐसे 7 हैं जिनके पहले क्या है आपका 1 है किंतु बाद में 8 नहीं है, या फिर बोल देगा कितने ऐसे 7 हैं जिनके पहले सम संख्या हो और बाद में विषम संख्या ना हो, या कहेगा पहले विषम संख्या होनी चाहिए बाद में सम संख्या हो, या फिर कहेगा कितने ऐसे कोई भी नंबर बना देगा 3 जिनके पहले संख्याओं का योग बाद वाली संख्याओं के योग से कम है या ज्यादा है। तो आप टाइप समझ पा रहे होंगे प्रश्न को। तो बहुत सारे अनगिनत प्रश्न बनेंगे, तो मैं इसमें क्या प्रश्न पूछा गया है इसको मैं सॉल्व करा देता हूं। देखिए इसमें कहा गया है आपका प्रश्न में, ऐसे कितने 5 हैं जिनके ठीक पहले 3, कितने ऐसे 5 हैं जिनके ठीक पहले 3 और बाद में 8 नहीं है। देखिए भैया अब इस तरीके का अगर कोई भी प्रश्न आपसे पूछा गया तो कॉम्बिनेशन बना लीजिए, यहाँ पे 3 को डन करना है, यहाँ पे आपको 8 नहीं रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए 5 कहाँ पर आया हुआ है और जहां जहां 5 होगा उसके पहले 3 देखना होगा, बाद में 8 को छोड़ देना होगा। अब यहाँ पे देखिए 5 आया हुआ है और इसके पहले क्या है, 3 चाहिए था, 3 नहीं है। अब यहाँ पे देखिए बाद में 8 है तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखिए आप ये आपके पास 5 आया हुआ है, इसके पहले देखिए 3 है और बाद में क्या नहीं होना चाहिए, 8 नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे 1 है, इसका मतलब एक बंच हमारे पास बन गया, यानी एक जोड़ा बन गया। अब यही आगे कंपेरिजन करेंगे, यहाँ देखिए 5 आया हुआ, 3 भी आया हुआ है किंतु 8 बाद में आ गया, इसलिए ये बनते हुए भी नहीं काउंट किया जाएगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, इसका मतलब ये भी बंच बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे कितने 5 हैं, तो हमारे पास 2 5 हैं, जो आंसर आपका दिया गया विकल्प होगा वहां पे 2 को टिक कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको अक्षर संख्या अक्षर प्रतीक योग्यता में पहला टाइप समझ में आया होगा जो संख्या पे बेस्ड होगा। अब मैं अक्षर पे ले लेता हूँ, चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, छोटा चैप्टर है, आज ही कंप्लीट कर देंगे। और बट लेकिन आपको बहुत सारे प्रश्नों का प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि प्रश्नों के टाइप्स बहुत बनते हैं। अब हम लोग देखते हैं अल्फाबेट पे बेस्ड क्वेश्चन। जेड के टी एल के सॉरी बेटा एल के एन एन के टी एफ जी जेड
HKT KNG KNG HJ, यहां नीचे लिख देता हूं मैं, उसी श्रृंखला में है, HJ LK LNK और डबल। इस तरीके से आपकी संख्या होगी, नंबर कोई भी हो या अक्षर कोई भी हो, इसका बहुत ज्यादा अंतर नहीं पड़ता है, बट कहा क्या गया इससे हमें ध्यान देना होगा। ये पूरी संख्या यहां से शुरू हुई है और यहाँ पे एंडिंग हुई है। तो अब इसमें प्रश्न क्या दिया गया है इसको देख लेते हैं। कहा गया है कितने के हैं, कहा गया इसमें कितने के हैं जिनके बाद टी आता है, जिनके बाद टी आता है लेकिन पहले एन नहीं आता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यही प्रश्न ही बनेगा, किसके बाद आता है, क्या दिया हुआ, वट एवर इसी तरीके का प्रश्न होगा। तो सबसे पहले देखिए हम केटी को पकड़ते हैं, जहां जहां भैया केटी आया होगा उसके पहले अगर एन होगा तो उसको ड्रॉप यानी छोड़ देंगे, और अगर कोई अदर अल्फाबेट आया होगा तो हम उसको ले लेंगे। तो यहाँ पे केटी को पकड़िए, देखिए सबसे पहले केटी को हमने पकड़ा, यहाँ पे जेड आया, इसका मतलब ये हो जाएगा। फिर केटी को हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ केटी एन आया हुआ है तो देखिए यहाँ पे केटी एन आ गया, इसलिए इसको नहीं लेंगे। ठीक है, कहा गया कितने ऐसे हैं जिसमें एन आएगा तो नहीं लेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे के टी एच आया हुआ, इसका मतलब इसको ले लेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, के साथ में टी आया हुआ, के टी एन देखिए यहाँ पे आया होगा लेकिन यहाँ पे क्या है आपका इसके साथ में एन आ गया इसलिए नहीं लेंगे। गलती अक्सर यही कर देते हैं आप लोग कि वहां पे एन को लेना है कि नहीं लेना है, ये कंफ्यूजन नहीं बनाना है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास सेफ बॉक्स है वही हमारा आंसर होगा, हमारे पास सेफ बॉक्स में दो है तो इसका भी आंसर आपका दो हो जाएगा, ऐसे हमारे पास दो अक्षर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप का हम लोग देखते हैं, अब तीनों कंबाइन कर देते हैं, तब देखिए किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे हम सॉल्व करते हैं। प्रतीक में कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं बनेगा भाई, क्योंकि प्रतीक में कुछ भी कंडीशन नहीं बनाई जा सकती है, इसलिए प्रतीक जब भी आएगा तो वो हमेशा किसके साथ में आएगा, संख्या और अक्षरों के साथ में ही मिलकर आता है। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा इससे रिलेटेड, कहा गया है आपके पास आर हैज टी यू थ्री डी डॉलर जे एट द रेट बीई नाइन कॉपीराइट डब्ल्यू वन ए एफ प्रतिशत पी टू फोर क्यू आई एन 6M स्टार जेड 5। इस तरीके से आपका प्रश्न दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या कहेगा, यहाँ पे प्रश्नों में कंडीशंस क्या क्या भैया बन सकती है इसको ध्यान दीजिएगा आप सभी। बाएं से आपको क्वेश्चन बनाएगा, बाएं से 12वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर या प्रतीक क्या होगा इसके बारे में पूछा जाएगा, या फिर कहेगा बाएं से तीसरे अक्षरों को यानी तीन से कटने वाले अक्षर या 3, 6, 9 पर आने वाले अक्षरों को, या क्रमशः दूसरे चौथे छठे लेटर को छोड़ दें फिर इसके बाद क्वेश्चन बन सकता है, या फिर आपका दाएं से क्वेश्चन बना सकता है। तो अनलिमिटेड प्रश्न बन सकते हैं, तो बहुत सारे प्रश्नों को हम तो सॉल्व यहाँ पे नहीं कर सकते, उसका रीजन होगा कि टाइम को हमें ध्यान देना होगा, बट कॉन्सेप्ट सारे क्लियर कर देते तो आप प्रश्नों को ज्यादा से ज्यादा लगाएं। अब देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न मैं ऐसे सॉल्व करता हूं, इस प्रश्न में ये कहा गया मान लीजिए कि बाएं से 10वें, बाएं से 10वें तत्व, तत्व मैंने इसलिए प्रयोग कर दिया क्योंकि इसमें क्या होगा संख्या अक्षर प्रतीक तीनों ही आ जाता है। ठीक है, बाएं से 10वें तत्व के बाएं तीसरा कौन सा होगा, इस तरीके का प्रश्न दिया हुआ है। तो अब आप देख पा रहे होंगे लेफ्ट से हमारे पास 10 दिया है और लेफ्ट से हमारे पास कौन सा दिया 3, आपको पता है लेफ्ट लेफ्ट घट जाएगा तो लेफ्ट से कितना बच जाएगा 7। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, 3, 3, 6 और ये आपका 7वां, यानी आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा डॉलर आंसर हो जाएगा। अब देखिएगा दूसरा टाइप कैसे प्रश्न बनाएगा, इसी श्रृंखला में आपके ऑप्शन दे देता है,
इसी श्रृंखला में आपको ऑप्शन दे देगा, कहेगा दिए गए विकल्पों में से कौन भिन्न है। तो आपको पता है मैंने भिन्नता के लिए आपको बताया था कि मान लीजिए आपके पास चार विकल्प या बैंकिंग है तो पांच विकल्प होंगे, तो इसमें क्या होगा चार विकल्पों में क्लॉक वाइज चल रहे होंगे अक्षरों के कॉम्बिनेशन, और पांचवे में क्या होगा एंटी क्लॉक वाइज चल रहा होगा, तो वो आपका अलग हो जाएगा। या फिर ऐसे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी, कि यहाँ पे कोई ऐसा बंच बनाया जाएगा पेयर पे, जैसे यहाँ से दो लिया फिर इसके बाद एक लिया, फिर आगे क्या करेगा ऐसे ही चार विकल्पों में दो लेगा फिर एक लेगा, या फिर रिवर्स कर देता है, यहाँ पे क्या करेगा यहाँ से दो वर्ड लेगा आगे के लिए और एक वर्ड छोड़कर पीछे आ जाता है। तो हम ऐसा प्रश्नों में क्या करते हैं सारे ऑप्शनों को उठाकर देखते हैं, उसमें क्या होता है आपकी जिसमें डिजाइन सेम बन रही होगी और वो आपके समान हो जाएंगे, जिसमें डिजाइन बदलेगी वही आपका आंसर अलग हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ऐसा करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो पांचों प्रश्न आपको दिए गए जो प्रश्न होगा उसमें पांचों विकल्प को चेक करने की आवश्यकता नहीं है भाई। आपने फर्स्ट विकल्प चेक किया और सेकंड विकल्प चेक किया, इसमें आपके दोनों में अंतर आ गया। अब तीसरा विकल्प आपने चेक किया जो मैच कर गया, इसका मतलब बाकी विकल्प उसके साथ में हो जाएंगे, जो अपोजिट होगा वहीं से बाहर आ जाता है। अब ये तो भाई देखिए एग्जाम में ध्यान देना होगा, इन केस उसमें प्रश्न ऐसा बना है कि स्टार्टिंग के चारों विकल्प सेम बने पांचवा अलग हो गया, तो आपको सभी ऑप्शन चेक करना पड़ता है। तो मैं देखता हूं इस श्रृंखला में दूसरा प्रश्न कैसे बन सकता है। दूसरा प्रश्न आपका दिया गया है, कहा गया प्रश्न में ऐसे कितने स्वर हैं जिनमें से प्रत्येक के तुरंत पहले व्यंजन और तुरंत बाद एक संख्या है। तो आप सभी को पता है भैया स्वर क्या होते हैं, वो आप सबने देखा अभी ए ई आई ओ यू। अब हम सबसे पहले किसको पकड़ेंगे स्वरों को, अगर हम व्यंजन ढूंढने लगेंगे संख्या ढूंढने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है, तो हम सबसे पहले व्यंजनों को पकड़ते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारे स्वर को पकड़ते हैं, तो यहाँ देखिए सबसे पहले स्वर के रूप में हमारे पास यू आया है और इसके पहले देखिए अगर व्यंजन के रूप में टी आया और बाद में संख्या, तो ये इसका मतलब एक बंच हमारे पास हो गया, यानी यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं लगाया कि संख्या में क्या आना चाहिए, यहाँ पे संख्या कोई भी होगी चलेगा और व्यंजन कोई भी होगा चलेगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए फिर से हम आगे बढ़ते हैं, अगला स्वर हमारे पास यहाँ पे आया, अब यहाँ पे देखिए ई के साथ में ये भी हमारा बन जाएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखिए ये बनेगा लेकिन ये लिया नहीं जाएगा, उसका रीजन है कि देखिए यहाँ कॉम्बिनेशन बदल गया, पहले संख्या आ गई और बाद में व्यंजन चला गया, जबकि हमें व्यंजन चाहिए फिर संख्या चाहिए, इसका मतलब ये बॉक्स बनकर भी हम काउंट नहीं करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है आई स्वर तो है लेकिन इसके पहले और बाद दोनों में व्यंजन आ गया, इसका मतलब ये भी नहीं लिया जाएगा। अब इसके बाद हम देखें तो कोई भी स्वर हमारे पास नहीं बचा है जो आपका आंसर किसी भी तरीके का भिन्नता उत्पन्न करे। तो आपने देखा है यहाँ पे कि कितने हमारे पास स्वर आए हुए थे, एक दो तीन चार, बट उनमें से हमारे लिए कौन से सार्थक बने, केवल दो, तो इसमें भी आंसर आपका क्या हो जाएगा दो ऐसे होंगे। तो इस तरीके से भैया जितने भी आप सबके पास प्रश्न होंगे सब इसी में अप एंड डाउन होते हैं, केवल लैंग्वेज बदलती है बाकी प्रश्नों का तरीका सेम होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए। अब देखिए कुछ हमारे पास प्रश्न ऐसे होंगे जो केवल संख्या पर बेस्ड होंगे, वो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से कैसे होते हैं इनको देखते हैं। आज ही आपका ये चैप्टर फिनिश कर देते हैं और आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज कमेंट्स करते रहें और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाएं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे स्टूडेंट्स या हमारे सहपाठी सभी इसका लाभ उठा पाए, क्योंकि इस दौरान आप सभी को पता होगा कि कहीं पे भी आप स्टडी नहीं कर पा रहे होंगे ऑफलाइन के माध्यम से, तो जब तक लॉकडाउन का सिस्टम बना हुआ है तब तक आप सभी ऑनलाइन के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यूअस रखें और हमारी टीम के साथ भर से बहुत अच्छा प्रयास रहेगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम सभी, कहा गया है 184, 372, 526, 438 और 273। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से चार पांच संख्याओं का कॉम्बिनेशन बना देता है। अब इसमें कहेगा क्या, पहले को तीसरे से बदल दे, तीसरे को दूसरे से बदल दे, व्हाटएवर जो भी नौटंकी करता है कोई अंतर नहीं पड़ता है कि
केवल आपको ध्यान रखना है कि करना क्या है, या फिर कहेगा इसके बाद सबसे बड़े नंबर से छोटे नंबरों में लगाएं, या फिर कहेगा उनको श्रृंखला के अनुसार यानी दी गए नंबरों से छोटे से बड़े या बड़े से छोटे में लगाएं, या फिर कहेगा पहले को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, तीसरे को पहले से बदल दिया जाए। तो इसका हमें कोई अंतर नहीं पड़ता, हमें केवल इतना कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि प्रश्न में कहा क्या गया है। तो अब देखिए इससे रिलेटेड प्रश्न क्या कहा गया। पहला प्रश्न कहा गया आपका, दी गई संख्याओं में से दूसरे एवं तीसरे अंकों को आपस में बदल दें। दूसरे व तीसरे अंकों को क्या करना है, आपस में बदल देना है, यानी दूसरे के जगह पे तीसरा, तीसरे के जगह पे दूसरा। तब नई श्रृंखला के पहले और अंतिम को बदल दें, यानी फिर क्या करना है, पहले को अंतिम यानी तीसरे से बदल दें, पहले और तीसरे को बदल दें। फिर क्या कहा गया, अब उन पांच संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, अब उन पांच संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यानी हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया, सबसे बड़ी संख्या। तो देखिए मैं इसलिए थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपको ये चैप्टर पूरा क्लियर कराना है, जब आप पेपर में करेंगे बहुत फास्ट करेंगे और सब सही होगा। मान के चलिए कि आप अगर पांच प्रश्न आपके यहां से बनते हैं तो मुश्किल से मुश्किल दो मिनट में आप सॉल्व कर लेते हैं और पांच नंबर आप आगे हो जाते हैं। समझिए अब ये सब ड्रामा जितना कहा है इसको करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा बेटा। सबसे पहले देखिए कि होना क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या, दूसरा नंबर तीसरे पे जा रहा है और तीसरा नंबर जो है वो पहले पे आ रहा है, ठीक है, पहले को तीसरे से कन्वर्ट कर देना है, सबसे बड़ा नंबर। तो हम अगर यहाँ पे ध्यान दें तो बीच वाला नंबर जो होगा वो क्या होगा, आगे आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ आठ है, यहाँ सात है, यहाँ दो है, यहाँ तीन है और यहाँ पे सात है। तो सबसे बड़े नंबर की बात करें तो आप सबको दिख रहा होगा भैया सबसे बड़ा नंबर कहाँ दिख रहा है, आठ दिख रहा है। इसका मतलब हमें सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल आंसर हमारा सही हो जाता है। अगर यही आठ आठ दो जगह मैच कर जाता आपके दिमाग में आ रहा होगा तब भाई हम उन दोनों को इंटरचेंज करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बनेगा, आप ध्यान देंगे, इनकेस अगर दिमाग में आया कि सर मान लीजिए दो विकल्प में आठ आठ हो गया तो भाई कुछ नहीं, हम केवल उन दोनों को कंपेरिजन कर लेंगे और आंसर हमारा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इस तरीके से बनने वाले प्रश्नों में बहुत फेरबदल किया जाएगा तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे, और अगर कोई प्रश्न आपका फंसता है तो प्लीज उसको कमेंट्स के माध्यम से पूछिए या फिर उसको भेजें। अब देखिए कुछ और एक दो टाइप के प्रश्न आपके इस चैप्टर से बनेंगे, उनको देख लेते हैं शॉर्ट पैटर्न पे, लगभग ऑलमोस्ट आपके आने वाले एग्जाम के पैटर्न क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए देखिए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए भैया, हमारे पास क्या होगा, कोई एक नंबरों का बहुत बड़ा बंच होगा और उसमें क्या करेगा, उसमें विषम संख्याओं को रखने के बारे में कहेगा या सम संख्याओं को रखने के बारे में कहेगा, फिर उसके बाद उसमें प्रश्न ऐसा देगा दाएं से दूसरे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर या बाएं अक्षर, उसको देखते हैं। जैसे कि एक प्रश्न एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं, प्रश्न में देखिए कहा गया आपका 5, 8, 9, 4, 6, 3, 2, 7, 1 के सभी क्या करना है, के सभी विषम अंक और फिर क्या करना है आपको सम अंक को कैसे रखना है आरोही क्रम में, ठीक है भैया, दोनों को आरोही क्रम में, आप समझ पा रहे होंगे मेरा मतलब क्या है, छोटे से बड़े में रखना है, ठीक है। अब फिर इसके बाद देखिए, हम ऐसा नहीं कि प्रश्न में अगर दिया तो तुरंत जुट जाएंगे प्रश्न पढ़ के, पहले प्रश्न को पूरा हम लोग क्या करते हैं पढ़ते हैं और उसमें देखते हैं कि हमें प्रश्न पूछा क्या गया है केवल। अब हम पूरे अक्षरों को क्यों रखें, पहले आगे देखते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं कहा क्या गया प्रश्न में। प्रश्न में आगे कहा गया है दाएं सिरे से पांचवें अंक के दाएं दूसरा क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, दाएं सिरे से पांचवें अंक के दाएं दूसरा अंक क्या होगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये सारी कैलकुलेशन हमारे दिमाग में होनी चाहिए। अब हमें करना क्या है, जब हमारे पास राइट से 5 दिया हुआ है और राइट से हमारे पास क्या दिया हुआ है 2 दिया हुआ, तो राइट राइट हमें पता है माइनस हो जाता है, तो राइट से हमारे पास क्या करना है तीसरा वर्ड, और आपको राइट में रखना क्या है सम अंकों को लगाना है। तो सम अंक हमारे कैसे पीछे से लगाएंगे, तो बड़े से छोटे लग जाएंगे, तो हम केवल दाएं से अगर तीसरा अंक देख लें इसमें सम नंबरों में तो हमारा आंसर मिल जाएगा, इतनी बड़ी श्रृंखला को लगाने की जरूरत नहीं। देखिए सबसे बड़ा सम अंक क्या होगा 8 होगा, इसके बाद क्या होगा आपका 6 होगा और 6 के बाद क्या होगा 4 होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 4, और आपको ये सब कुछ लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आंसर सीधे आपका आ जाता है।
और अगर हम ओरल देखें तो जब इन संख्याओं के बारे में बात किया जाएगा तो आपको पता है कि सिंगल डिजिट में सारे नंबर होंगे। तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो 1, 3, 5, 1, 3, 5, 7, 9 ये आपके क्या होते हैं विषम नंबर, और 2, 4, 6 और 8 आपके सम नंबर होते हैं। तो अब जब यहाँ पे हमने श्रृंखला देखी तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे 8 आएगा, सेकंड नंबर पे आपका 6 आएगा और थर्ड नंबर पे आपका क्या आएगा 4 आएगा। तो आप ऐसे भी आंसर को कर सकते थे। तो उम्मीद करता हूँ ये भी टाइप आपको समझ में आया होगा। देखिए इतने बड़े प्रश्न में केवल करना क्या है कंसर्ट, अगर आप चीजों को अच्छे से समझ के उनको सोचते हैं तो आंसर दिखता है, और हम अगर पूरा ये लगाने लगेंगे तो कहीं ना कहीं टाइम लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, आज श्रृंखला का ये अंतिम प्रश्न होगा और ये चैप्टर भी आपका उम्मीद करता हूँ कि कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपको आवश्यकता लगती है कि इस चैप्टर को मैं फिर से पढ़ाऊं तो प्लीज कमेंट्स के माध्यम से कहिएगा, तो मैं और भी प्रश्नों को इसमें एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें डबल लेक्चर बनाने की कोई आवश्यकता है, और बहुत ही छोटा चैप्टर था बट इम्पोर्टेंट था। आगे हम लोगों के पास देखिए कोई प्रश्न इस तरीके से देता है, वो प्रश्न हमारे पास दिया गया 1 से लेकर 30 तक के। प्रश्न में क्या कहा गया, 1 से लेकर 30 तक के संख्याओं में, 1 से लेकर 30 तक के संख्याओं में पहला पॉइंट क्या कहा गया, एक अंक 2, और दूसरा कंडीशन 2 से विभाजित। संख्याओं को अगर हटा दिया जाए तो कितनी संख्याएं शेष बचेंगी, जो कोई भी हो सकता है। मान लीजिए यहां 2 ले लिया गया, वहां 3 ले लेगा, या कोई भी, तो अंतर नहीं पड़ता। तो देखिए अगर आप इसको क्या करेंगे, पूरे नंबर को नोट करेंगे और फिर उसको काटेंगे तो उम्मीद करता हूं कि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, या आपका क्वेश्चन भी क्या होगा बहुत टाइम ले लेगा। तो देखिए हम यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करेंगे, केवल रिमाइंड करेंगे कि क्या क्या चीजें हो सकती है। पहली कंडीशन देखिए हमारे पास इसने क्या कहा है कि 2 इकाई के स्थान पे हो या दहाई के स्थान पर हो उनको हटाना है, प्लस क्या करना है आपको 2 से वो सारे अंकों को हटाना है जो भाज्य होंगे। तो आप सभी को पता है कि अगर 1 से लेकर 30 तक के नंबरों को हम लेते हैं तो प्रत्येक दूसरा अंक क्या होगा 2 से कटेगा, तो 15 अंक तो भैया आपके ऐसे ही सिंपल निकल जाते हैं। तो अब बच जाते हैं आपके पास रिमेनिंग 15 अंक। अब हमें उन 15 में केवल ये ध्यान देना है कि कौन से ऐसी श्रृंखला है हमारी जो कटती नहीं है, उसके बाद भी उसमें 2 आता है। तो आप सबको पता है कि जब हम श्रृंखला लेंगे आप 21 वाली 21 22 23 24 25 26 27 28 और 29 और 30 वाली, तो इसमें कुछ हमारे ऐसे नंबर होंगे जिसमें क्या होगा 2 का स्थान कहीं ना कहीं होगा अंकों पे। तो अब देखिए हमने कटने वाले तो पहले से ही काट दिए थे, तो कटने वाले तो हमारे पास काउंट नहीं होंगे। अब हमारे पास बच गया 1, 2, 3, 4 और 5, यानी 5 नंबर आपके और होंगे जो हट जाएंगे। तो 15 यहाँ पे निकले थे, 5 इसमें से और निकल गए, तो अब यहाँ पे क्या हो गए आपके 20 अंक निकल गए, टोटल कितने 30 अंक थे। तो आंसर हमारा कितना बच जाएगा 10। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को हर टाइप के प्रश्न समझ में आया होगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक्स।